हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्मृति साधनों के बावजूद बेहतरीन कार्य करने का काम किया, जिसके चलते आपदा के दौरान बेघर हुए लोगों को किराए पर रहने व उनका किराया प्रदेश सरकार द्वारा वहन किए जाने की अधिसूचना जारी कर प्रदेश सरकार ने प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। ये कहना है बिलासपुर से पूर्व विधायक एवं हिमाचल कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर का। एनस्टार न्यूज के लिए कुठेड़ा से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के दौरे को लेकर के बहुत हम उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने प्रदेश में आकर के लोगों का हालचाल पूछा और सरकार के कामकाज को देखा और उन्होंने सरकार के काम की सराहना की। खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला किया है कि जिन लोगों के मकान टूट गए और वो बेघर हो गए, उनको उन्होंने फैसला किया कि पूरे प्रदेश में लोग किराए पे टू रूम और थ्री रूम सेट ले सकते हैं और उनका जब तक बसाव ना हो, जब उनको हम जमीन ना दे पाए, नए मकान ना बना पाए, तब तक वो किराए के मकान पे रहेंगे। सरकार पूरा वहन करेगी और उनको राशन पानी भी मुहैया कराएगी। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करते हैं और माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी, सोनिया गांधी जी ने भी, राहुल गांधी जी ने भी उनका उनकी पीठ थपथपाई है और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कटाक्ष कर रहे हैं कि जी सरकार ने कोई काम नहीं किया। इससे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी नहीं आई और इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधनों से लेकर के कभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जो आज मुख्यमंत्री जी ने करके दिया है। मैनुअल को 5,000 से राहत मैनुअल को बढ़ा करके सीधा 1,00,000 रुपये किया। ये भाजपा के लोगों को रास नहीं आ रहा है और यहाँ पे जेपी नड्डा तक के लोग यहाँ पे आए और 1 कोटी देकर के नहीं गए, वही मिला है पैसा अभी तक प्रदेश को जो हमारा हक था, जो मिलता आया है। राहत के नाम से कोई पैसा नहीं मिला है। तो मैं भाजपा के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि खास करके इस बिलासपुर के विधायक को कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मत करिए और जो अच्छा काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी करें उनका धन्यवाद करना सीखें। जो अच्छा काम हो रहा है, लोगों को किराए पे मकान मिलेंगे, उनको राशन पानी मिलेगा जब तक उनका बसाव नहीं होगा, ऐसे कामों की सराहना करनी चाहिए। राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता था। एक बार हम पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रदेश में आकर के जायजा लिया और हमें जो हमारी सरकारें हैं पूरे देश के अंदर उनको भी कह रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश की केंद्र सरकार मदद करे चाहे ना करे, लेकिन बाकी जो गैर भाजपा सरकारें हमारी मदद कर रही हैं केंद्रीय कांग्रेस हाईकमान के दखल की वजह से, उनके हम धन्यवादी हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ।